डेलीगेशन का, कॉइन्स से रिलेटेड ये सवाल है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मिक्सड एंड डेलीगेशन से काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन अ पॉकेट देयर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा। देयर आर टोटल 80 क्वाइंस इन द पॉकेट। द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ 50 पैसा इज। तो 25 रुपए हैं टोटल एक जेब में, और उसमें क्या है, 20 पैसा और 50 पैसा के ये क्वाइंस मिल करके 25 रुपए बना रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस 80 है, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो देखिए एलिगेशन से क्या कितनी आसानी से हो जाएगा। तो ये 20 पैसा पर क्वाइन मान लिया हमने, और ये 50 पैसा पर क्वाइन मान लिया, ठीक है। अब आप देखो तो टोटल रुपए की वैल्यू कितनी है, 2500 है, यानी 2500 पैसे हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, 80 क्वाइंस हैं। यानी जो वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू क्वाइंस की कितनी आ जाएगी, तो टोटल रुपए जो हैं वो 2500, टोटल पैसे जो हैं 2500 पैसे हैं, और टोटल क्वाइंस जो हैं वो 80 क्वाइंस हैं। तो यानी 2500 डिवाइडेड बाई 80, तो ये क्या आ जाएगा, 125/4, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू ऑफ ईच क्वाइन होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये जो मिड वाली जो वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो बड़े वाले में से ये एवरेज घटता है, और यहाँ पे क्या होता है, एवरेज में से ये छोटे वाली वैल्यू घटती है। तो यानी 50 पैसे में से हम 50 पैसे पर क्वाइंस में से ये 125/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 125/4 से ये 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 200 - 125, 75 आ जाएगा, 75/4। और ये क्या आ जाएगा, 125 - 80, कितना आ जाएगा, ये 45/4। 4 और 4, ये अगर ये दोनों रेशियो के टर्म्स होते हैं, 4 और 4 चला जाएगा। ये कितनी बार में दोनों जाएंगे, तो 15 * 3 = 45, और ये 15 * 5 = 75, यानी 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा। यानी 20 पैसा के जो क्वाइंस होंगे वो 5 यूनिट्स होंगे, और 50 पैसे के जो क्वाइंस होंगे वो कितने होंगे, 3 यूनिट्स होंगे, ठीक है। जबकि ये टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 5 + 3 = 8 यूनिट्स, और दिया है टोटल क्वाइंस कितने हैं, 80 हैं। यानी 5 + 3 यानी 80 यूनिट्स जो हैं वो 80 क्वाइंस के बराबर हैं। तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएगा, 80/8 यानी 10 यूनिट्स, 1 यूनिट्स 10 सिक्कों के बराबर हो जाएगा, 10 क्वाइंस के बराबर हो जाएगा। तो 50 पैसे के क्वाइंस कितने हैं, 50 पैसे के जो ये जो क्वाइंस हैं 50 पैसे के, ये 3 क्वाइंस हैं, यानी कितने हो जाएंगे, 3 × 10 यानी 30 क्वाइंस हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 30, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।